कुछ दिनों पहले मेरा एक दांत निकल गया था। अब उसकी जगह मुझे इम्प्लांट लगवाना है और 4 महीने बाद मेरी बहन की शादी है। क्या 4 महीने में मेरा इम्प्लांट लग जाएगा? और एक इम्प्लांट की कॉस्ट क्या होती है? अब ये सब मैं कैसे पता करूं? आइडिया, डॉक्टर से पूछते हैं। अगर आपके ओरल कैविटी में एक या एक से ज्यादा दांत नहीं है और आप उनका परमानेंट इलाज के तौर पे इम्प्लांट लगवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्वेता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में कि डेंटल इम्प्लांट क्या होते हैं, इसके इलाज का क्या क्या प्रोसीजर होता है और इसकी कितनी कॉस्ट आती है और इस पूरे इलाज के लिए कितना समय लगता है, ये सभी बातें। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो डेंटल इम्प्लांट होते हैं वो एक स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक स्क्रू की तरह एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम इम्प्लांट कहते हैं। इसके ऊपर फिर हम अबटमेंट लगाते हैं और उस अबटमेंट के ऊपर हम क्राउन लगाते हैं। तो ये बेसिकली तीन चीजों का एक पूरा सेट बन जाता है जो हमारा प्रॉपर दांत का काम करता है। अब इस ट्रीटमेंट का प्रोसीजर समझ लेते हैं कि क्या कुछ प्रोसीजर होता है और कितना इसमें टाइम लगता है। तो देखिए, जब भी आप पहली बार जाते हैं, विजिट करते हैं, सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट प्लान समझाया जाता है और अगर आप इम्प्लांट करवाते हैं तो उसके लिए एक एक्सरे किया जाता है जिसे हम CBCT कहते हैं, यानी कॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें बेसिकली आपकी बोन की क्या विड्थ है, क्या लेंथ है, ये देखा जाता है ताकि इम्प्लांट का जो प्रोसीजर है उसके लिए हम आगे बढ़े। तो इन सभी जनरल एग्जामिनेशन के बाद जो इम्प्लांट है वो आपके बोन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और करीबन 3 महीने का वेट किया जाता है, क्योंकि जो इम्प्लांट हमारा होता है वो मेटल का बना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइटेनियम धातु का बना हुआ होता है। ये एक ऐसी मेटल होती है जो हमारी बोन के साथ जुड़ जाती है और ये एक इनर्ट मेटल होती है, यानी कि ये कोई भी रिएक्शन नहीं करती है, यानी कि सबसे सेफ मेटल ये होती है। तो 3 महीने का टाइम दिया जाता है ताकि ये बोन के साथ अच्छे से जुड़ जाए, फ्यूज हो जाए, जिसे हम ओस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं। तो 3 महीने के बाद आपकी जब सेकेंड विजिट होगी वहां पे आपको चेक किया जाएगा, अगर प्रॉपर ग्रोथ हो गई है और इम्प्लांट आपके बोन के साथ प्रॉपर फ्यूज हो गया है तो उसके बाद इम्प्लांट के ऊपर एक अबटमेंट लगाया जाता है और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में अबटमेंट के ऊपर क्राउन लगा दी जाती है, जिसके बाद ये पूरा प्रोसीजर खत्म होता है और अब आपका इलाज परमानेंट हो गया है, यानी कि अब ये लाइफ टाइम चलेगा। और अगर हम इम्प्लांट की कॉस्ट की बात करते हैं तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि जो इम्प्लांट है उसका मटेरियल कैसा है, किस कंपनी का है, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ पे क्लिनिक है, क्लिनिक की प्रैक्टिस कितनी है, इन सभी बातों पे इम्प्लांट की कॉस्ट वेरी करती है। मैं आपको एक रेंज बता देती हूँ कि इसके आसपास आपके इम्प्लांट की कॉस्ट रहेगी। तो जनरली 15,000 यानी कि 15,000 से 25,000, 30,000, 40,000 तक भी इनफैक्ट इम्प्लांट्स लग जाते हैं। एक इम्प्लांट के यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, अगर एक दांत मिसिंग है तो एक इम्प्लांट में ही काम चल जाता है और अगर आपको 3 दांत लगवाने हैं तो उनके लिए आपको 2 इम्प्लांट तो जरूर चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखिये यहाँ पे 3 टीथ एबसेंट है, 1, 2, 3, पर यहाँ पे 2 इम्प्लांट डाल के और 3 क्राउन्स यहाँ पे लगा दी जाएंगे। 1, 2, 3, इम्प्लांट 2 ही डले हैं पर क्राउन्स 3 लगी हैं। यहाँ पे एक दांत एब्सेंट था तो एक इम्प्लांट लगाने के बाद एक ही क्राउन यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो जितने भी इम्प्लांट लगेंगे इस कॉस्ट से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर 2 इम्प्लांट है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लिनिक के चार्जेस होते हैं। तो ये बेटर रहेगा कि आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए, उनके क्या चार्जेस हैं वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है आप नीचे जरूर पूछिए और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो नीचे लाइक जरूर कर दे। उसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड गुड लक।